चलते हैं षष्ठो अध्याय इसकी तरफ। षष्ठो अध्याय देखिए, षष्ठो अध्याय, अब षष्ठो अध्याय में आप जो पहला मंत्र है वो बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, त्र्यंबक मंत्र है ना, भगवान शिव का मंत्र है, इसको पढ़ेंगे। इसी तरह से पूरी रुद्री आप लोग समाप्त करते ही जा रहे हैं। अपने पहले वाली सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे जो शब्द हैं वो आपको आसान लगने लग गए होंगे, ठीक है। और आपके जो कमेंट्स हैं वो मैं बारंबार पढ़ता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, ठीक है। और मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ, चैनल सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए कहता हूँ उससे चैनल ज़िंदा रहेगा, नहीं तो यूट्यूब वाले इसको एक ना एक दिन डिलीट कर देंगे, तो इतनी सारी मेहनत जो है वो किसी काम की नहीं रहेगी। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाकी कोई मुझे यूट्यूब से कोई पैसा नहीं मिलता है कि मैं आपको पैसा मिलेगा मुझे, तो इसलिए आपको कहता रहता हूँ, नहीं, ये चैनल ज़िंदा रहे हमेशा, लोग इन वीडियोज़ को देखें, हम रहें या ना रहें, इसलिए इस वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जितना हो सकता है आप इस संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करें, अपने भारत देश में इन मंत्रों को सब जगह फैलाएं, ताकि मंत्रों को लोग पढ़ सकें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, लोगों की ये प्रवृत्ति रहती है ये बहुत मुश्किल है, नहीं पढ़े जाते हैं, तो आसान करने के लिए मैंने आपके लिए सब कुछ किया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें त्र्यंबक जजने अर्थात भगवान शिव का उपासना है। हरे ओम वायगुं, ये गु है, ठीक है, वायगुं सोमभ्रते तवमानस्तानुखु बिभ्रताः प्रजावन्ताः सचे महि। इसको आप पढ़ ही लेंगे मेरे ख्याल से, ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। मानस्तानुखु, ये है बिभ्रताः, पढ़ लेंगे। एख ते रुद्र बागः साहस वसराम्भि, वसराम्भि कया तन जुखस्व, जुखस्व है खाते रुद्र बाग, बाग आखुस्ते पशुहु। ये दो मंत्र हो गए, इसको इस तरह से बोलो, ए खाते रुद्रा बाग साहस वसरा बिकया तम जुखस्वा है खाते रुद्रा बाग आखुस्ते पशु। ये दूसरा मंत्र यहाँ संपूर्ण हुआ, ठीक है। अब तीसरा मंत्र देखिए, आव रुद्र मादी मह्य, वहाँ आपकी बुक में लिखा होगा मा हा और ज, महज 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 व देवन, ये देवन है, ठीक है, देवन त्र्यंबकम मा, उसके बाद यथानो, ये ज है, ठीक है, जथानो वस्य सस्करद्य था न श्रेय सस्करद्य था था नो व्य वसा वसा ययात ययात। अपनी बुक अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अपनी बुक ज़रूर रखिए अपने पास, उसी से देख देख के आपकी मैं हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से आप बोलेंगे। अब मैं इसको फिर से बोलता हूँ, आवा रुद्रा मादि महिजा व देवन त्र्यंबकम यथानो वस्य सस्कारद्य थानो श्रेय सस्कारद्य थानो व्यवसाय यात। अब उसके बाद वाला मंत्र, बेख ज मसी बेख जंग, यहाँ है जंग, ठीक है, ये वाला जंगवे, जंगवे श्वाय पुरुखाय बेख जम्मा
सुखम मेखाय मेख्यई, ये है मेख्यई मेख्यई। अब इसको इस तरह से बोलेंगे, बेख जमासी बेख जंग वेश्वाय पुरुखाय बेख जम सुखम मेखाय मेख्यई। अब उसके बाद त्र्यंबक मंत्र है, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान्मृतियोर् मुक्षीयमामृतात् मामृतात्। ऐसे लिखा है ना। तो उसके बाद वाला मंत्र देखिए, त्र्यंबकम जजामहे, अब यहाँ ज है ठीक है, जजामहे सुगंधिम सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव वंदना दितो मुक्षीय मामुताः। अब इस मंत्र में और इस मंत्र में थोड़ा सा ही फर्क है ठीक है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। उसके बाद वाला मंत्र देखिए अब आप, क्योंकि ये मंत्र आपने मेरी एक वीडियो शिव पूजा उसमें भी आपने पढ़े ही होंगे, तो और भी जो भी लोग रुद्राष्टादायी पढ़ते हैं उन्होंने ये मंत्र जरूर पहले से ही पढ़ रखा होगा। ए तत्ते, क्या लिखा है, ए तत्ते रुद्रा रुद्रा वसंते वसंते न, रुद्रा के बाद में ना ऐसा एस पाओगे आप अपने बुक में, वसंते न पारो मूज पारो, या नहीं है आपकी बुक में, यहाँ से पारो मूज व तो ती ही। उसके बाद आवा ता ता दन्वा पीना कवा सह, ये जो सा है यहाँ पर हा होगा है ना, वासा कृति वासा वासा आहिगू, ये बिंदी नहीं है यहाँ गू होगा ठीक है बुक में, आहिगू सन सन्नाह शिव तीहि। इसको इस तरह से बोलो, ए तत्ते रुद्रा वसंते न परो मुजावतो तीहि आवतता धन्वा पीना कवा सह कृत्तिवासा आहिग्गो सन्नाह शिवोतीहि। अब ये जो मंत्र है ये भस्म लगाने का मंत्र है, त्रयायुखम जामा दग्ने, क्या लिखा है, जामा दग्ने जामा दग्ने हे, यहाँ आपके वहाँ विसर्ग ही होगा, जामा दग्ने ही ठीक है। उसके बाद है कश्यपस्य त्रयायुखम, फिर उसके बाद है यद्देवे, ये या है यद्देवेखु यद्देवेखु त्रयायुखन तन्नो अस्तु, यहाँ आ होगा ठीक है, अस्तु त्रयायुखम त्रयायुखम। अब इसको बोलेंगे, त्रयायुखम जामदग्ने कश्यपस्य त्रयायुखम यद्देवेखु त्रयायुखं तन्नो अस्तु त्रयायुखम, ठीक है। ये सातवां मंत्र था, अभी एक और मंत्र भी है इसमें, ये आ गया हमारा शिवो नामा, शिवो नामा ये नहीं है, सी स्वधि तिस्ते पिता नमस्ते अस्तु होगा आपके वहाँ, अस्तु मा मा हिमनि हिग्गू, क्या होगा हिग्गू हिग्गू सी ही। फिर निवर्त याम म्या यूखे, यहाँ मुखे नहीं यूखे होगा, क्या होगा यूखे 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 नाध्या
यप्रजन यप्रजन नाय रायस्पोखाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर सुवीर जायो। कुछ है मुश्किल इसमें, ये है निवर्तायाम्या युखेन नाध्याय प्रजन नाय रायस्पोखाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर जाय। एक एक शब्द इसलिए पढ़ाता हूँ आपको ताकि एक एक शब्द जो है ना वो समझ आए। एक एक शब्द जब समझ में आ जाएगा तब ये जो गीत में हम लोग बोलते हैं इसको बोल सकते हैं अच्छे से लय में। शिवो नामा सिस्वादितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामा विघ्नोषी निवर्तायाम्या युखेन नाद्याय प्रजननाय रायस्पोखाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्जाय। कहते हैं वेदों के जो मंत्र हम लोग बोलते हैं ना, इससे हमारा प्राणायाम जो है अपने आप हो जाता है। बहुत सारी जो साइंस है वो ये कहती है कि वेदों के मंत्र बोलने से उनका उच्चारण कुछ इस तरह से किया जाए कि हमारा प्राणायाम हो, बहुत सारे वोकल्स हमारे जो वोकल्स रहते हैं उनकी बहुत सारी एक्सरसाइज हो जाती है। शरीर के लिए तो योग करते हैं लेकिन अपने गले के लिए भी अगर सही में योग करना है तो वो वेद मंत्रों का उच्चारण है। उनको थोड़ा ज़ोर से बोलना होता है, पूरा फोर्स से घी खाना होता है। वेद वाले मंत्र जो बोलते हैं उनको घी खाना होता है, ऐसा वासनेय प्रतिशाख्या में भी बताया हुआ है, घृतम आयु कहा गया है। ठीक है, और भी वेद के बहुत सारे नियम होते हैं। वेद पढ़ने वाले को कितने किलोमीटर हर दिन चलना चाहिए ऐसा भी लिखा जाता है। अच्छे आसन पे बैठ के वेद का उच्चारण करना चाहिए। तो ये था हमारा रुद्री षष्ठोध्याय। ठीक है, तो अब सातवा अध्याय लेकर के मैं आपके सामने आने ही वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बाकी तक भेजें, शेयर करें वीडियो को, लाइक करें। चलिए ठीक है, देखते रहें संस्कृति संस्कृत सरिता। बाय बाय, ओम।